हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हो गया पांचवा दिन और गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और कल रात को प्लान किया था कहीं बाहर जाने का बट हो नहीं पाया। आपने अगर कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो आई थिंक आपको पता होगा कि भाई मैंने कल अहमदाबाद जाने की बात की थी तो नहीं हो पाया है, और आज यहीं पर हूँ। और टाइम हो रहा है अभी इसी टाइम टाइम हो रहा है 1:15 हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी भी जाएंगे अंदर, मशीन चालू करेंगे, आज का काम कंप्लीट करेंगे और शाम को होगा तब तक निकल जाएंगे। और गर्मी देखो, गर्मी पड़ रही है यहाँ पे बहुत तेज़, इतनी धूप है ना कि वीडियो शूट करने का मन ही नहीं कर रहा इतनी गर्मी के अंदर। क्योंकि जब वीडियो शूट करते हैं तब है जो हमें सारे फैंस ऑफ रखने पड़ते हैं, लाइट्स ऑफ रखनी पड़ती है और ज़्यादा नॉइस ना आए, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। चलो कोई नहीं, मैंने है जो आज कल का जो इसका डिटेल था मैंने डाला नहीं था, तो अभी मैंने वीडियो अपलोड करके डाल दिया है। और ये वाला है जो हमारा मटेरियल है, इसकी साइज़ चेक कर लेते हैं। इसकी साइज़ है अपने पहले एक बार, तो इसकी साइज़ चेक कर लेते हैं। इसकी है 355 तो है वीड्थ है, और इसकी हाइट है अपने जो 1100 है। तो चलो कोई नहीं, फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। इस पर कौन सी डिज़ाइन है ये बताऊँगा मैं आपको, और कैसे बनेगी वो भी बने रहना वीडियो पे, कहीं जाना मत, और कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो भी आपको मैं दिखा के जाऊंगा। चलो कोई नहीं, करते हैं काम शुरू और जो होगा वही दिखाएंगे। तो हर बार कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो अब की बार भी कुछ सिखाने के लिए मैं आपको रेडी हूँ और आप सीखने के लिए रेडी हो जाओ। कोई नहीं, चलो चलते सिस्टम की तरफ और दिखा दे कौन सी चीज़ें। देख पा रहे हो हमारा है जो मटेरियल अभी रेडी हो चुका है। कितने टाइम में रेडी हुआ है, 2:54 में हुआ है। जैसे कि मैंने बोला था 0.6 का लेयर मैंने डाला था, और डिज़ाइन कैसा निकल के आया है तो ये रहा हमारा मटेरियल और ये रही हमारा डिज़ाइन। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क आया नहीं, बस थोड़ी सी लाइन आई है, पता नहीं चलता है। कोई नहीं, इतने टाइम में ये रेडी हुआ है, अभी क्या रेडी करेंगे हम, अभी दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे कि डिज़ाइन बनाना पड़ेगा और किस पे होगा, जैसे कि इस पे होगा, ये हमारे यहाँ पे पड़ा है, तो ये फटाफट से हटाते हैं मशीन पे से और चढ़ाते हैं इसको, और इसको कितना टाइम लगेगा वो टाइम बताते हैं आपको और मिलते हैं। तो मटेरियल हमने है जो चढ़ा दिया है और चेक भी कर लिया, लाइन देख सकते हो तो बराबर है सब कुछ। अभी करते हैं इसकी डिज़ाइन चालू और देखते हैं इस पर कौन सी डिज़ाइन होगी। जैसे मुझे तो पता है डिज़ाइन, आपको आई थिंक कैसे पता चलेगा, मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा तो भी पता चलेगा। कोई नहीं, चलो आपको फटाफट से इसकी डिज़ाइन बता दो। और हालत इतनी ख़राब है कि अभी डेली काम, सुबह मॉर्निंग में जल्दी आना, शाम को है जो लेट जाना, उसकी वजह से थक गया, और वीडियो के अंदर भी ऐसा लग रहा होगा फील कि हाँ भाई थोड़ा टाइट फील हो रहा है। कोई नहीं, करते इसको चालू और ये कितने टाइम में रेडी होता है। इसकी साइज जो मैं बता दूंगा अभी आपको, तो इसकी वेट और हाइट रहने वाली है, जैसे कि वेट हो गई 155 और हाइट हो गई 830। तो इसके साइज़ के हिसाब से जो डिज़ाइन बनाते हैं फटाफट से, और कितने टाइम में डिज़ाइन बना के हम खुद से रेडी कर सकते हैं तो बता देता हूँ मैं आपको। अभी मैंने मटेरियल चढ़ाया और अभी टाइम क्या हो वो भी देख लेता हूँ मैं। टाइम का पता नहीं चलता है, टाइम हुआ है 4:45। कितने टाइम में डिज़ाइन रेडी होती है और कितने टाइम में चढ़ाते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। तो हमारी डिज़ाइन है जो बनकर रेडी हो गई है, और कितने टाइम में ये दिखा देता हूँ मैं आपको, डिज़ाइन कौन सी पहले दिखा देता हूँ आपको। ये वाली डिज़ाइन है हमें जो उस पर करनी है, और कितने टाइम में रेडी हुई है, तो अभी टाइम हुआ है 5:15। तो लगा लीजिए हिसाब कितने टाइम में डिज़ाइन मैंने रेडी की है। अभी इसको फटाफट से लगाते हैं टूल पाथ और चढ़ाते हैं मशीन के। 5 mm बोलनस बिट का यूज़ किया है, और ये सेटिंग रखी है फिर से 0.5 mm रखी है मैंने। 0.6 में थोड़ा सा मेरे को लगा ऊपर नीचे, हाँ भाई डिज़ाइन बराबर नहीं उसके अंदर मैंने किया था, तो कोई नहीं चलो 0.5 रखते हैं। एक खाली एक थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा सा माइनर से भी लाइनिंग आ जाती है तो दिक्कतें आती है, मटेरियल ख़राब दिखता है।
तो कस्टमर को अभी चीज़ खराब चीज़ देनी नहीं है, चीज़ तो अच्छी देनी है, क्योंकि पैसे दे रहा है। कोई नहीं, फटाफट से इसको भी चालू करते हैं और कितने टाइम में रेडी होता है वो भी देख लेते हैं। तो बने रहना वीडियो पे, और अगर हमारे वीडियोस पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलो फटाफट से इसको चालू करते हैं और चलो दिखा देता हूँ मैं आपको चालू भी कैसे करते हैं। हर बार की तरह हमारे भाइयों को क्या है कि हर वीडियो के अंदर है जो ज़रूरी होता है उनको देखना। कोई नहीं, फाइल है जो मैंने यहाँ पर लोड कर लिए और फटाफट से जो इसको लाते आगे देख लेते। पहले ऑलरेडी मैंने मटेरियल आई थी टाइट तो किया था, करा हुआ है। लेते हैं एक्स वाई पोजीशन, ये रहा हमारा एक्स वाई, देख सकते हो एक्स वाई लिया हमने है जो ऊपर किया, वापस से शिफ्ट दबाया। मटेरियल को थोड़ा सा ऊपर रख के एक बार चेक करें, थोड़ा सा मटेरियल अंदर चला गया था, कोई नहीं। चलो मटेरियल से थोड़ा सा ऊपर करके मशीन को ऊपर ऊपर चला के देखते एक बार। तो चालू कर दिया मशीन मैंने और देखते हैं बराबर से होता है नहीं होता है। चलो चलो ये तो बराबर है, करते फटाफट मशीन को चालू और देखते हैं कितने टाइम में है जो रेडी होता है। बने रहना वीडियो पे, कहीं जाना मत। तो भैया हमारा हो गया है 48 मिनट और 38 सेकंड के अंदर है जो ये हमारा मटेरियल बनकर रेडी हो गया है। मटेरियल कैसे दिख रहा है चलो दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा दिख रहा है, जैसे कि जैसे सोचा नहीं था मैंने कितना अच्छा दिखेगा, बट काम है तो काम भाई होगा तो काम के हिसाब से होगा, मेहनत भी की थी मैंने तो कोई नहीं। चलो आपको मटेरियल दिखाता हूँ मैं कौन सा मटेरियल है। कलर्स थोड़ा सा छोटा बना है बट कोई नहीं, अच्छा दिख रहा है। छोटा साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने बनाया, जितनी साइज़ मशीन लेती है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने है जो सॉफ्टवेयर को लेने दी कि भाई अपने हिसाब से तू हाइट मेरे हिसाब से ले ले और विड्थ तू अपने हिसाब से ले ले, कोई नहीं। चलो उसने तुमने हिसाब से काम किया और थोड़ा सा स्मॉल बना है कलर्स, कोई नहीं। देखो ये डिज़ाइन थी हमारी यहाँ पे और अभी एक और बाकी रहा है, उसको भी करते हैं पूरा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नई चीज़ के साथ। नई शुरुआत करेंगे और कुछ नई चीज़ें चीज़ सिखाएंगे हम आपको। तो बने रहना हमारे चैनल पे, कहीं जाइएगा मत। अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। चलो कोई नहीं, फटाफट से करते हैं वीडियो खत्म और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए।